दोस्तों आज हम करने वाले हैं बोर्सो BS30 फुल HD एंड्रॉइड प्रोजेक्टर का रिव्यू। ये प्रोजेक्टर बोर्सो 28 का इम्प्रूव वर्जन है, जहां पर आपको बहुत सारी चेंजेस देखने को मिलेंगी, जैसे इसकी बॉडी की लुक एंड डिजाइन, टॉप में आपको टच पैनल और इसकी ब्राइटनेस और पिक्चर क्वालिटी। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस प्रोजेक्टर की स्पेसिफिकेशन। जो कंपनी ने मेंशन की है, ये एक फुल HD एंड्रॉइड प्रोजेक्टर है जो एंड्रॉइड वर्जन 9 के साथ आता है। 1GB रैम 8GB रोम के साथ में ब्राइटनेस इसकी 7200 लुमेंस है। कंपनी के अकॉर्डिंग और कॉन्ट्रास्ट रेशियो 15:1 का है। लैंप लाइफ इसकी 50,000 आवर्स की है। 4K सपोर्ट करता है HDMI के थ्रू, तो कोई भी 4K कंटेंट को आप HDMI के थ्रू देखते हैं तो ये प्रोजेक्टर सपोर्ट करता है। यानी कि दोस्तों इस प्रोजेक्टर में आप पाई टीवी स्टिक या एंड्रॉइड बॉक्स या फिर प्ले स्टेशन जैसी डिवाइस को HDMI के थ्रू 4K कंटेंट देख सकते हैं, मगर आउटपुट रेजोल्यूशन जो है वो आपको 1080p का ही मिलेगा, पर ये सपोर्ट करेगा 4K को। ये प्रोजेक्टर 1080p 60fps पे प्ले करता है और इस प्रोजेक्टर का मैक्सिमम स्क्रीन साइज 300+ का है। प्रोजेक्टर में आपको मैनुअल फोकस एडजस्टिंग मिल जाएगा, मगर मैनुअल कीस्टोन करेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पर आपको एक पावर इनपुट, एक इथरनेट पोर्ट, 2 USB पोर्ट, एक हेडफोन पोर्ट, एक AB पोर्ट और 2 HDMI पोर्ट देखने को मिलेंगे और बैक साइड में ही आपको एक स्पीकर। प्रोजेक्टर के राइट साइड में आपको हीट वेंटिलेशन ग्रिल, लेफ्ट साइड में आपको मैनुअल फोकस एडजस्टिंग व्हील और एक डस्ट फिल्टर देखने को मिलेगा, जिसे आप बीच बीच में साफ कर सकते हैं ताकि प्रोजेक्टर के अंदर डस्ट ना जाए। प्रोजेक्टर के सामने की तरफ बोर्सो की ब्रांडिंग देख सकते हैं। फोकस लेंस के सामने टिल की रिंग डिजाइन देखने को मिलेगा, जो इस प्रोजेक्टर के लुक को इनहेंस करती है, और एक प्लास्टिक का लेंस प्रोटेक्शन कैप लेंस को डस्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए। प्रोजेक्टर को आप ट्राइपॉड माउंट या सीलिंग माउंट भी कर सकते हैं, या फिर टेबल में रख के किसी भी व्हाइट दीवार पे आप प्रोजेक्शन करके 40 से लेके 300 इंच तक का स्क्रीन बना सकते हैं। प्रोजेक्टर के अंदर आपको 4D कीस्टोन करेक्शन, जूम इन जूम आउट, एस्पेक्ट रेशियो, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जूम, पिक्चर मोड जैसे सेटिंग्स देखने को मिल जाएंगे, तो आप अपने हिसाब से इन सेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रोजेक्टर को मैं पिछले कुछ दिनों से यूज कर रहा हूं और उसके बाद ये रिव्यू वीडियो आपके लिए लेके आया हूं। ये प्रोजेक्टर मेरे 12 फीट के कमरे में 105 इंच का स्क्रीन बनाती है और इसकी ब्राइटनेस काफी इंप्रेसिव है। कमरे में 9 वाट का एक लाइट ऑन रहने के बाद भी इस तरह का विजिबिलिटी आपको दे देती है, जिसकी वजह से आप लाइट ऑन रहने के बाद भी कंटेंट को देख सकते हैं। और इस प्रोजेक्टर के साथ किसी हाई कॉन्ट्रास्ट एलर स्क्रीन का यूज करते हैं तो लाइटिंग कंडीशन में भी आप कॉन्टेंट को इजिली वॉच कर सकते हैं। मगर दोस्तों इस प्रोजेक्टर से आपको बेस्ट एक्सपीरियंस या बेस्ट रिजल्ट जो है वो डार्क रूम में ही देखने को मिलेगा। तो आप इस प्रोजेक्टर से चाहे 40 इंच हो, 100 इंच हो या फिर 300 इंच हो, आपका एनवायरनमेंट अगर फुल डार्क है तो इस प्रोजेक्टर से आप बेस्ट रिजल्ट देख सकते हैं। दोस्तों 300 इंच के स्क्रीन में भी, इस तरह के लाइटिंग कंडीशन में भी ये प्रोजेक्टर काफी अच्छा ब्राइटनेस और पिक्चर क्वालिटी दे देता है। और इस प्रोजेक्टर से आप बेस्ट पिक्चर क्वालिटी का एक्सपीरियंस चाहते हैं तो आप फाइव टीवी स्टिक या फिर एंड्रॉइड टीवी बॉक्स का यूज करके आप एंड्रॉइड प्रोजेक्टर से भी बेहतर पिक्चर क्वालिटी का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रोजेक्टर में आपको स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलेंगे, जो एक कमरे के लिए काफी है, और इस स्पीकर से आपको स्टीरियो साउंड का एक्सपीरियंस सुनने को मिल जाएगा। मगर दोस्तों थिएटर वाला एक्सपीरियंस अगर आप चाहते हैं तो आपको अलग से होम थिएटर की जरूरत पड़ेगी, तो आप इस प्रोजेक्टर के साथ होम थिएटर भी कनेक्ट करके फुल थिएटर वाला एक्सपीरियंस ले सकते हैं। दोस्तों इस प्रोजेक्टर में से आपको ब्लैक जो है फुल ब्लैक देखने को मिलेंगे और सारे कलर आपको एक्यूरेट देखने को मिलेंगे। फिर भी अगर आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करना चाहते हैं तो पिक्चर मोड का ऑप्शन HDMI के थ्रू आपको देखने को मिल जाएगा। वहां से जो है आप अपने हिसाब से पिक्चर मोड सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर यूजर मोड पे जाके आप अपने हिसाब से कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस, कलर वगैरह का जो है सेट कर सकते हैं। इस प्रोजेक्टर से मुझे विविड मोड पे अच्छा पिक्चर क्वालिटी और कलर्स का एक्सपीरियंस देखने को मिला, तो आप विविड मोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। दोस्तों कुल मिला के इस प्रोजेक्टर के बारे में बात किया जाए तो ये एक ब्राइटर और बढ़िया पिक्चर क्वालिटी वाला प्रोजेक्टर है। ये प्रोजेक्टर आपको सिर्फ और सिर्फ Amazon पे ही देखने को मिलेगा, तो इसका परचेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अगर ज्यादा ब्राइटर प्रोजेक्टर नहीं चाहते तो आप इस प्रोजेक्टर के अलावा BS28 के साथ भी जा सकते हैं, जो प्राइस के हिसाब से इससे कम है। तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों ही प्रोजेक्टर का कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, तो वहां से जो है
आप कंपैरिजन वीडियो को भी देख लीजिए और उसके बाद आप अपने बजट के हिसाब से कोई भी प्रोजेक्टर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कुल मिला के इस प्रोजेक्टर की बात की जाए तो इस प्रोजेक्टर से आपको बेहतर पिक्चर क्वालिटी, ब्राइटनेस और बड़ी स्क्रीन का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको यही कहूंगा कि कोई भी प्रोजेक्टर होम थिएटर के लिए यूज करते हैं तो 150 इंच का स्क्रीन जो है वो होम सिनेमा के लिए काफी है। तो ये था बोर्सो BS30 प्रोजेक्टर का रिव्यू। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रोजेक्टर से रिलेटेड कुछ भी सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बोर्सो BS28 और बोर्सो BS30 का कंपैरिजन वीडियो देखना है तो लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक कीजिए। और आप अपने होम एंटरटेनमेंट के लिए कोई होम थिएटर लेना चाहते हैं तो बेस्ट साउंड बार का रिव्यू वीडियो देखने के लिए राइट साइड वाली वीडियो पे क्लिक कीजिए। आज का वीडियो बस इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।